तो आज हम कवर करने वाले हैं कि पेमेंट गेटवे कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट से। बाकी लोग शायद अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेट देम ज्वाइन। तब तक हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता मैम, वेबसाइट है क्या चल रहा है? सर, मैंने आज आज ही वर्क किया, ठीक है। मैंने एक पोस्ट बनाई, राइट, लेकिन उसमें उसमें दो दो ब्लॉक्स में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखा, और मैंने एक फीचर्ड इमेज भी ऐड की। फिर जब मैंने जी इनकॉग्निटो में जाकर देखा तो वो ऊपर मेन्यूज में एक पेज बना हुआ था। मैंने तो पोस्ट बनाई थी। कोई बात नहीं, एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सुल्तान, देख पाए? वो कैसे शेयर करनी होगी, जस्ट अ सेकेंड। नीचे बॉटम में देखिए, एक शेयर का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। सर, इसमें लिख रहे होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। चलिए अभी देखिए मैम। एक सेकेंड, अभी शेयर तो मुझे मेरी स्क्रीन ही नहीं दिख रही। हाँ, अब मैं आपको, आप लोगों को दिख रही है ये? जी बिल्कुल हाँ दिख रही है। सर, देखिए मैंने ये यहाँ पे एक पोस्ट बनाई थी, है ना। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आज ही लॉग इन किया था, और मैंने सिर्फ अभी डिवी वगैरह कोई थीम इंस्टॉल नहीं करी। आपका जो फर्स्ट वर्डप्रेस का लेसन था वो देखा मैंने दोबारा, क्योंकि आप जब ठीक पढ़ा है, रहे होते हो तो आप समझ आ जाता है, पर जब करने लगते हैं ना तो फिर मतलब रेफर करना पड़ता है। तो मैंने बस नहीं ये दो बिल्कुल ब्लॉक्स में आर्टिकल लिखा, और एक कहीं से हफ पोस्ट से उठा के मैंने सिर्फ एक फीचर्ड इमेज लगाया इसको। ठीक सर, है, अब आप कर लो, कंट्रोल देख लो, मेरे को नहीं समझ आता बहुत ज्यादा। मैं हाँ, एक बार देख तो लेता हूँ। आप इसको इनकॉग्निटो में एक बार वो करो, देखो। तो ये ना पे वो मतलब पेज बन गया। ऑनलाइन मैम देखिए, पोस्ट भी अपने आप में एक पेज ही है, पेज है, कुछ ओके डिफरेंट ओके। नहीं है। मतलब आप देख के समझो तो फिर शायद मैं एक मेरे बार को। आपकी मेन वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, एंड देन विल सी क्या है ये। मेरा नेट थोड़ा स्लो है। कोई बात नहीं हितेश जी, आपने अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया है? हाँ ओके दिस इज वेरी स्लो, मेरे एंड से स्लो है ना ये। जी, आपके आंसर स्लो है मैम। भूमि, मारो फोन व्यू अंदर पड़े जूम। ऊपर जहाँ पे वो तीन चार लिख कर आ रहे होते हैं ना, जैसे कॉन्टैक्टर्स मेनू, वो वहां पे टीन पेरेंटिंग करके एक पेज बन गया था। शायद उसको मैं क्लिक करती तो ये पूरा दिखाई नहीं तो देता। मैम, आपने आपने अपीयरेंस के अंदर मेन्यू करेक्ट नहीं किया। ठीक अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैंने पोस्ट पे है, ऐड मैं पोस्ट, आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। लाइक क्लोज ओके। दिस, क्लोज दिस स्क्रीन, हाँ, ओके आप शेयर ओके, ऑफ कर दीजिए। शेयर ऑफ। सितार और पियानो सुनाई दे रहा है आज तो, आज ये बीट साउंड नहीं आ रहे। अच्छा मेरे घर पे टीवी चालू है, अच्छा उसका पियानो है। ओके, चलिए धीमू का फोन। मैं बता देता हूँ कि है क्या। श्वेता मैम, आपने जो ऊपर टॉप हेडर में मेन्यू के अंदर जो अपने पोस्ट का नाम देखा, जिस भी आपने पोस्ट बनाया होगा उसका नाम देखा होगा आपने वहां पे, जो भी टाइटल आपने डाला था पोस्ट हाँ, का, टीन पेरेंटिंग। जी वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर जो मेन्यू है ना, वो मेन्यू अभी डिसाइडेड नहीं है। मतलब जब भी आप पहला कोई थीम बनाते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है वर्डप्रेस में आपको अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाकर उस मेन्यू को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा तो अभी जो भी आप बनाएंगे ना, चाहे वो पेज बनाए, पोस्ट बनाए, वो टॉप मेन्यू में दिख जाएगा। ओके ओके, ठीक ठीक है। है, तो आपको अपीयरेंस में मेन्यू में जाके वहां पर चेंज करना पड़ेगा, अपना एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। क्लियर ठीक है, ओके, है? मुझे आ गया समझ। ठीक है, देश अभी तो जी आज काम जब करते हैं। मैंने जब ये जी मैम बताइए। आर्टिकल लिखा तो मेरे बच्चों ने उसको पढ़ लिया, और दोनों के बड़े मिक्स रिएक्शन थे। दो बच्चे हैं, एक बच्चा वाज लाइक टेकन अबैक, ओ मेरी मम्मा ये सब भी लिख सकती, मम्मा अभी इसमें और लिखना और लिखना। और दूसरा बच्चा बोलता है, ओ रियली, आई लेफ्ट यू सो हेल्पलेस, मुझे मदर करके आपको इतना खराब लगा। मैंने कहा खराब नहीं, मतलब मैंने कहा तुम लोग मेरे काम को मत पढ़ो। एक आर्टिकल है ना हितेश सर, बहुत जरूरी है। आप तो नहीं करेंगे बिकॉज आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो ज्यादा आपको जरूरत नहीं है सर
कंटेंट लिखने की, लेकिन हितेश जी आपका बच्चा भी इस चीज को सीख रहा है, तो हितेश जी एक्चुअली श्वेता में अपने बच्चे को भी रोज ट्रेन करते रहते हैं इन चीजों पे, एंड ही इज इन सेवेंथ एंड ही इज टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट इनटू दिस, सो आई टोल्ड हिम कि थोड़ा उसको और अच्छे से सिखाओ सो दैट ही कैन बी अ ब्लॉगर, और इसी एज से स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छी चीज आ जाएगी सामने। बिल्कुल। तो मैं आप दोनों को बता दूं कि जब आप कॉन्टेंट लिखते हैं ना श्वेता मैम, तो वहां कॉन्टेंट लिखने में एक स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। लोग कॉन्टेंट क्या करते हैं, लोग कॉन्टेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। हम सारे जो इंडियंस है ना, हम सारे इंडियंस के दिमाग में जुगाड़ बहुत है, हम किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टोरी बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारे दादा दादी ने बचपन से हमें कहानियां ही कहानियां सुनाई हैं। हमें अगर नींद, सही बता रहा हूं हितेश सर, हमें अगर नींद नहीं आती थी तो वो कहानी सुना के सुनाते थे। आज भी आपके घर में अगर बच्चे हैं और आपने बचपन से उन्हें पाला है, तो आपके बच्चे अगर नहीं सोते तो उनको आप कहानियां सुना देते हो। तो ये जो कहानी वाला चैप्टर है ना, हमें कोई ब्लॉगर बनने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है कि कहानियां कैसे बनाई जाती हैं। ये यूएस वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले वो सीखे, उनके यहाँ स्लीपिंग पिल्स देके सुना देते, यहाँ बिना कहानियों के कोई नहीं सोया। तो आपको जब भी आप स्टोरी लिखेंगे ना, समझिएगा कॉन्टेंट श्वेता मैम हमेशा स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी में एक विलेन होना चाहिए, उस स्टोरी में एक हीरो होना चाहिए। विलेन हो सकता है आपकी डिजीज भी हो, हीरो हो सकता है आप भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक हीरो का और एक विलेन का होना बहुत जरूरी है। मतलब एक ब्लैक शेड एक व्हाइट शेड, स्टोरी कैसे बनती है, इसके बाद आपको अपने कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे शॉकिंग न्यूज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टोरी लिख रहे हैं, कॉन्टेंट लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ शॉकिंग प्रेजेंट कीजिए कि ऐसा हो गया अचानक से, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, ऐसा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्वेता मैम, आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, यू वेंट टू अ डॉक्टर, और आपने पहले प्लान किया हुआ था कि आप बात करने वाले थे डॉक्टर से इस बारे में, लेकिन डॉक्टर ने आपको बता दिया, अरे भैया तुम्हें ये तो है ही नहीं, ये है। तो एक तो पैटर्न हो गया आपका सबसे पहले कि एक हीरो और एक विलेन होना चाहिए। दूसरा आपका हो गया कॉन्टेंट में कि आपके पास कुछ शॉकिंग चीजें होनी चाहिए, जहां पे आप कस्टमर को रोक के रखो कि यार अब आगे क्या होने वाला है, ये तो ऐसा होने वाला था, ऐसा हो गया। तो इससे क्या होगा श्वेता मैम, लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बी ट्रैवल ब्लॉगर, तो ट्रैवल ब्लॉगिंग में भी बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके की कंटेंट को डालो, चाहे आप वीडियो में भी बनाओ, चाहे किसी तरीके से बनाओ। हितेश सर, आप जब प्रोडक्ट को वीडियो के दौरान दिखाएंगे ना, तो उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होगी ना, उससे बहुत हद से ज्यादा तक दिखा दीजिए। लोगों को आपकी वीडियो देख के जोश आना चाहिए, लोगों को आपकी वीडियो देख के लगना चाहिए यार ये क्या है, यही चाहिए था मुझे, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। और ये बनाना कोई ज्यादा टफ नहीं है श्वेता मैम, बहुत इजी है। हम बिना बात के घबराते रहते हैं कि कंटेंट नहीं लिख पाएंगे, हमारे ब्लड में है कंटेंट, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पढ़ो कहानी लिख दो। चलिए, जिस सेशन का जो भी क्लास थी आज उस पे आते हैं, डिस्कशन नेवर हैज एन एंड। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेमेंट गेटवे आप कैसे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में कनेक्ट करेंगे। अभी हम हितेश सर की वेबसाइट में लॉगिन कर लेते हैं। हितेश सर, आप सिस्टम से लॉगिन है इस टाइम? यहां से लॉगिन करूं मैं? सर सिस्टम पे प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं आपको एक पेमेंट गेटवे सिखाऊंगा, उस पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे हम। होस्टेड इसे डिसेबल। चलिए आपको मैं एक्सेस दे देता हूँ। श्वेता मैम, आपको नीचे देखिए सामने पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ आ रहा है। उस पार्टिसिपेंट पे क्लिक कीजिए और हितेश सर के ऊपर कर्सर लेके जाइए और वहां पे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें अब हितेश जी ना दो आ रहे हैं, एक जिस पे वीडियो दिख रहा है उस वाले पे जाऊं ना? ठीक है मैम, जिस पे वीडियो, जिस पे वीडियो नहीं दिख रहा है उस पे जाइए। जिस पे वीडियो नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकंड, मोर ऑन द स्क्रीन, मोर एंड अलाउ मेक होस्ट, मेक होस्ट जी। डू यू वांट हितेश सर, आप ट्राई कीजिए। हितेश सर आप ट्राई कीजिए। हो गया। स्क्रीन शेयर करें सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, मुझे कंट्रोल एक बार दे दीजिए, कंट्रोल दे दीजिए सर मुझे। दे दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेमेंट गेटवे आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ,
उसका नाम है इंस्टा मोजो। ये पेमेंट गेटवे मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूँ, बहुत अच्छे से सारे डिजिटल मार्केटर्स यूज कर रहे हैं, जितने भी ई कॉमर्स वाले लोग हैं सब यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको अगर पेमेंट गेटवे चाहिए तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली बैंक से ले लो, दूसरा तरीका है कि आप किसी थर्ड पार्टी से ले लो। जो भी थर्ड पार्टी आपको पेमेंट गेटवे देगी वो आपसे एवरेज, हर पेमेंट गेटवे का अलग अलग ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन एवरेज आपसे 2% कॉस्ट कट करेगी, जितना भी अमाउंट होगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार कार्ड से अगर पे करना है 2% एक्स्ट्रा लूंगा, है ना। तो ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पेमेंट गेटवे 2% ले लेता है। सर देखो मैं खोलता हूँ तो गूगल नहीं आता, याहू आ जाता है, ऐसा आ जाता है सर। ये क्योंकि आपका डिफॉल्ट जो सर्च इंजन है ना वो याहू बना हुआ है। मैं आपको तरीका बता दूंगा सर, उसको कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम गूगल खोल लेते हैं अभी। याहू बेचारा भी अपने टाइम में बहुत बड़ी चीज थी, आज उसको लोग ये बोल रहे हैं कि याहू खुल रहा है सर, गूगल नहीं खुल रहा। मुझे याद है बहुत सारे लोग स्कूल बंक मार के याहू चैट रूम में बैठे रहते थे। माय टाइम बहुत बड़ा टाइम था, और याहू बिंग इससे बड़ा गूगल भी जानता है। और सर साइबर कैफेज होते थे, लड़के तो वहीं बैठे होते थे, 10 रुपए मेरे ख्याल से एंट्री का चार्ज हुआ करता था। यस वो जमाना भी देखा है बहुत अच्छे से। तो सर याहू पहले आया कि गूगल पहले आया? याहू सर पहले याहू आया सर, याहू का ही हर चीज गूगल ने चुराया है, चाहे वो एड की बात करो, कुछ भी बात करो, कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा बना हुआ वो बिंग ने बनाया था, बिंग ने बनाया था, राइट। चलिए यहाँ हम चलते हैं और हम इंस्टा मोजो टाइप करेंगे। बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ इंस्टा मोजो, ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजी पेमेंट गेटवे है। और बता दूं अगर आप इंस्टा मोजो को रेफर करते हैं किसी को, जैसे हितेश सर, अगर मैं अपने इंस्टा मोजो अकाउंट से अभी आपको अगर रेफर कर दूं ना, तो आप जीवन भर जितना भी इस पेमेंट गेटवे से बेचोगे ना माल, उसका एक कमीशन मेरे अकाउंट में आता रहेगा हमेशा। क्या क्या मतलब, दोबारा बताइए। दोबारा समझाता हूँ, अगर आप इंस्टा मोजो के रीसेलर बनते हो, अच्छा, अगर आप इंस्टा मोजो के रीसेलर बन जाते हो तो आप इंस्टा मोजो किसी और इंडिविजुअल को आप सजेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सेशन में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्टा मोजो यूज करो, लेकिन अगर रीसेलर अकाउंट से मैं करूंगा तो मेरे को एक पर्टिकुलर लिंक से हितेश सर को साइन अप कराना पड़ेगा। अच्छा, okay. उसके बाद क्या होगा, हितेश सर को कुछ भी नहीं पता, हितेश सर का वही 2% कटेगा, लेकिन उस 2% में से जो गेटवे रख रहा है उसमें से कुछ अमाउंट गेटवे हर प्रोडक्ट के सेल पे लाइफ टाइम मुझे देता रहेगा जब तक हितेश सर काम करेंगे। जी, अगर किसी फ्रेंड को आपको सजेस्ट करना है कि आगे से पेमेंट गेटवे यूज करो तो अपना रेफरल लिंक दे दो, उसको कुछ पता भी नहीं लगेगा, आपकी कमाई चलती रहेगी, क्योंकि आप उससे तो कुछ कट ही नहीं कर रहे हो ना, आप तो गेटवे के 2% में से ले रहे हो। सही बात है, सही बात है। नहीं वैसे आजकल सबको पता होता है, सब बड़े चालू हैं, सबको पता होता है कि हम बता रहे हैं तो हमारा कुछ इंटरेस्ट है। सिंपल सा लॉजिक है मैम कि अगर आप गेटवे में, वो बंदा वैसे भी तो गेटवे में 2% देगा ही ना, देगा ही। बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम साइन अप कर लेते हैं। हितेश जी गूगल अकाउंट से कर लूं मैं आपके, क्योंकि ज्यादा आप वही यूज करते हैं? हाँ, हितेश जी इसका पासवर्ड वासवर्ड बाद में रीसेट कर लीजिएगा, अभी के लिए हम गूगल अकाउंट के सीए हमने साइन अप कर लिया है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, ऑन कर लेते हैं, ठीक है। हमने वेरीफाई कर लिया है आपके फोन नंबर के साथ। अभी यहाँ पे देखिए पेमेंट्स है और फ्री ऑनलाइन स्टोर है, हम अभी कलेक्ट पेमेंट पे जाएंगे। और यहाँ पे हम यूजर नेम बना लेते हैं, सर मैंने शॉपिफाई में रेजर पे से किया है तो अभी ये डाइवर्ट हो जाएगा। आप रेजर पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन मेरे को ये करना है इंस्टा मोजो तो डाइवर्ट हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर।
प्रोप्राइटरशिप पे क्या है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? यस, प्रोप्राइटरशिप है सर। जहां पे आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी है, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा पॉज कर ऑफ कर देता हूँ, बाकी आप डिटेल अभी वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए हितेश जी। श्वेता मैम आपका टारगेट क्या है अभी? अभी जो आप सर अभी इसमें यस नो पे कर दीजिए, नो पे कर दीजिए सर, आपकी वेबसाइट बन चुकी है। श्वेता मैम अभी आप पोस्ट लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग में लिखेंगे या फिर यू विल बी क्रिएटिंग द वीडियोस एज वेल? ओके सर। सर अभी तो मैं पोस्ट लिखूंगी ना कंटेंट, क्योंकि वो वीडियो के लिए मैंने आपको बताया था ना, मेरे को आपको मुझे कुछ कुछ चीजें सजेस्ट करनी थी। यहाँ पर हम बैंक डिटेल, ओके अभी आपका अकाउंट बन चुका है सर, आपकी लिमिट जो है अभी 10,000 रुपए पर मंथ है। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आप केवाईसी यहाँ पे जैसे ही कर देंगे, केवाईसी मतलब अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, okay. आपको सिर्फ एक कुछ नहीं करना है सर, जो आपका जीएसटी का वो है ना रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन को अपलोड करना है। आप इस पैनल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब आप करेंगे, और यहाँ पे आप कर लीजिएगा। अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं सर। जब तक केवाईसी नहीं डालेंगे तब तक सिर्फ 10,000 रुपए महीना आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए हमने एक यूजर नेम पासवर्ड बना लिया, अब इसका जरा हम देख लेते हैं। यहां सबमिट केवाईसी कर लीजिएगा सर, जब भी आपको टाइम मिले। मैं जरा इसका यूजर पासवर्ड एक बार दोबारा सेव कर लेता हूं, क्योंकि हमें जरूरत होगी अभी। अभी मैं इस वेबसाइट पे आपको आगे कुछ क्लासेस में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लाइव चैट लगाएंगे। आपकी वेबसाइट पे लाइव चैट हो सकती है, जिससे आप और आपका कस्टमर लाइव इंटरेक्ट कर सकता है हितेश जी। ओके आज सर लोग क्यों नहीं आए होंगे पता है? लोगों की वेबसाइट बनी ही नहीं होगी इसलिए नहीं आए मुझे लगता है सर। लेकिन सर अभी थोड़ा सा वेबसाइट बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा, जैसे आप हम अभी इस पे काम कर रहे हैं सर, अगर वेबसाइट रेडी नहीं होगी तो इस पे काम नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, चलिए हितेश सर आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जैसा कि वर्डप्रेस में आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल कर चुके हैं आप, हम यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि है इंस्टा मोजो का WooCommerce प्लगइन। पहले मैं आपको यहां दिखाता हूं कि इस प्लगइन को यहां पर ढूंढना भी इजी है या नहीं है, क्योंकि WooCommerce का जो InstaMojo प्लगइन है, मतलब WooCommerce का ही प्लगइन है, ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन है जो WooCommerce प्रोवाइड करता है InstaMojo के लिए। तो यहां पे हम पहले ढूंढ लेते हैं। ये रहा इंस्टा मोजो फॉर WooCommerce, इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट कर लेंगे अब हम। एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे WooCommerce के अंदर, WooCommerce के डैशबोर्ड में। WooCommerce एक प्लगइन है श्वेता मैम, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज होता है, जो मैंने पहले भी बताया है। और WooCommerce के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि हितेश सर ने डिवी थीम्स यूज नहीं किए, इन्होंने कोई दूसरी थीम को यूज किया है जो प्रॉपरली WooCommerce की थीम है, जिसमें मैंने लास्ट सेशन जो लिया हुआ था एक प्रॉपर थीम पे शॉप कार्ट के, शॉपिंग कार्ट के ऊपर, वही थीम इन्होंने यूज किया।
अभी यहाँ पे हम चलते हैं सेटअप पेमेंट्स पे चलते हैं। ये देखिए इंस्टा मोजो को आ चुका है ऑनलाइन गेटवे का, और यहाँ पे मैनेज पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये कुछ क्रेडेंशियल्स मांगेगा यहाँ से हमसे। ये देखिए इंस्टा मोजो को क्या क्या करना है, बहुत इजी प्रोसेस, और ध्यान से देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनेबल इंस्टा मोजो किया हुआ है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की, ये दो चीजें मुझे डालनी है। ये मुझे कहां से मिलेगी, मैं इंस्टा मोजो के ऊपर चलता हूं। इंस्टा मोजो में एपीआई एंड प्लगइन्स के ऊपर आप जाएंगे, ओके, तो वीडियो आपको थोड़ा डिले होके मिलेगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए एपीआई की यहाँ पे है, प्राइवेट ऑथ है एंड सॉल्ट है, ये तीन चीजें मेरे पास आ रही हैं। और यहाँ पे नीचे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स आ रहा है। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में जाऊंगा और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को चूज करूंगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे सामने वूकॉमर्स वर्डप्रेस आ रहा है, क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। मेरे सामने ये क्लाइंट आईडी आ गई, ये सीक्रेट की आ गई। क्लाइंट आईडी को कॉपी करते हैं, और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, ये ऑथेंटिकेट कर रहा है आपके अकाउंट को कि आप ही हैं। ये एक तरीके की एपीआई होती है। ओके, पेस्ट कर देते हैं एंड सेव। ठीक है, अब हितेश सर की वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। और चेक कर लेते हैं हितेश सर की आपने शिपिंग वहां पे ऐड किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें एक बार हम चेक कर लेते हैं पहले। ऑनलाइन क्लास डिजिटल मार्केटिंग, कोई ना भी मारे, ये पूरा मेरे लड़के ने ही बनाया है। अच्छा ठीक है सर, मैंने देखा नहीं था, आपने ऊपर तो मेन्यू, टॉप मेन्यू भी बिल्कुल कर दिया ना। हाँ, आज सुबह ही उसने किया, पूरा का पूरा इसने ही बनाया है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे थोड़े अमेज़न से आइडिया लीजिए, अमेज़न कैसे अपने मेन्यूज बना रहा है, थोड़ा अमेज़न से आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे काम करते हैं, जैसे ये 6500 वाला मेटल ट्री जो हमें दिख रहा है, हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ओवर ओवर सर, सर मेरी बात सुनो जी, पेमेंट सिर्फ 100 रुपया कर दो ना, इसकी रेट चेंज कर देते हैं, पहले 100 रुपया कर लेते हैं। नहीं नहीं सर, अभी अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर, ठीक है, अभी तो ये तो शुरुआत है सर, अभी तो बहुत चीजें दिखेंगी ना कैसे करना है, उसके बाद हम ट्रायल पेमेंट करेंगे। यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे चले जाते हैं। Add to cart हो गया, view cart चेक कर लेते हैं। हमारे पास दो क्वांटिटी एड हो गई हैं, हमें एक क्वांटिटी चाहिए, हम इसको एक क्वांटिटी कर देते हैं, ये रही। एंड अपडेट कार्ड, ये कूपन एड करना मैंने आप लोगों को सिखाया था पहले भी। श्वेतम याद है कूपन एड करना? हाँ सर याद है। ओके, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं।
चलिए अभी यहाँ पर चलते हैं, हम अपनी बिलिंग डिटेल्स डाल देते हैं एक बार ट्रायल के लिए। ये देखिए आ रहा है प्लेस ऑर्डर पे वाया इंस्टा मुझे, प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। आ गया सर, अब यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड को एंटर करेंगे, कार्ड को एंटर करेंगे, दैट्स इट, हो गया, पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो गया हितेश जी। ओके, इजी है प्रोसेस, श्वेता मैम क्लियर हुआ, हितेश जी क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हुआ, बराबर है। तो इसी तरीके से पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना है, ऐसे ही आप बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो भी आप चाहें WooCommerce में जिस जिसका प्लगइन अवेलेबल है आप जाके प्लगइन्स के अंदर ढूंढ सकते हैं, आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। तो हितेश जी आपकी सारी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट कनेक्टेड है सबका पेमेंट गेटवे अब कनेक्ट हो चुका है। अब आप अपने पेमेंट गेटवे के अंदर ये चेक कर सकते हैं, जैसे आप अगर एग्जाम्पल लेके चलिए ये जो कूपन देना है ये सारी चीजें, ये पहले भी मैंने लास्ट वीडियोस चेक कीजिएगा वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कैसे इस पे काम करना है। और अगर आपको इसको रेजर पे इसमें डालना है तो आप रेजर पे वाला प्लगइन यूज कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से काम करेगा, उसकी भी एपीआई कॉल करनी पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा। बराबर है, फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, पे विद इंस्टा मोजो, पे विद रेजर पे। बराबर, क्लियर है सर? ओके, चलिए ये काम हमारा हो गया और यहां पर आप WooCommerce के अंदर जाएंगे, WooCommerce के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस में आपको कूपॉन्स का ऑप्शन ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कूपन, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कूपॉन्स क्रिएट करना है, आप कूपॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी शिपिंग डिटेल जो भी है आपकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट यहीं से हो जाएगी श्वेता मैम, यहीं पे आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, आप सारी चीजें देख सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो कितना खरीद रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, आपकी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगी आपको। कहाँ से? WooCommerce से मैम, WooCommerce के अंदर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स, ओके, यहाँ आपको दिख जाएगा आपने लास्ट मंथ में कितनी अर्निंग की है, क्या हुआ है, आपका कस्टमर कौन कौन है, आपके स्टॉक में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना आपकी वेबसाइट पे है, ये सारी चीजें स्टॉक मैनेजमेंट यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है? आई मीन बाय द प्रोडक्ट? बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा मैम, सब कुछ ऑटोमेटिक, नहीं सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ओके ओके, आप जो अपना प्रोडक्ट इंसर्ट करोगे लेकिन आपको ये मैनुअल करना पड़ेगा कि आपका जो वेबसाइट से सामान बिक गया, हाँ, तो उसके बाद जैसे आप जब वहां डाल रहे हो तो नंबर ऑफ फीचर्स, जैसे आप प्रोडक्ट्स में यहाँ जाएंगे ना, जैसे आप यहाँ चलिए और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट अगर ऐड करके देखें, एक प्रोडक्ट में ऐड न्यू पे जाते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट पे यहां आने के बाद मैन्युअली आपको एंटर करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की बनने के बाद आप एडिटिंग मोड में आए हैं दोबारा, ओके, तो यहां पे आप अपने प्रोडक्ट का जो भी आउट ऑफ स्टॉक है, जो भी ऑप्शंस नीचे आपको दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कोई प्लगइन नहीं होता क्या? क्योंकि थोड़े बहुत मैम बिल्कुल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई पेड है, मतलब अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट चार्ज करता है, लेकिन इन्वेंटरी आप यहाँ से मैन्युअली मैनेज कर सकते हैं थोड़ी मोड़ी चीजें।
हाँ मतलब अब जैसे छोटे लेवल पे है तो प्रोबेबली हो जाएगी, लेकिन जब कुछ बड़ा हो जाता है, अब जैसे मान लीजिए जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट होंगे, इनके पास तो प्लगइन्स होंगे ना मैम नहीं, डेफिनेटली आप ये कर मटेरियल। सकते हो ना, देखिए ना सामने, जैसे आपको मैनेज स्टॉक करना है, आपको लेट हाँ सपोज हितेश्वर को करना है कि इनके पास पांच ही वॉल क्लॉक हाँ हाँ है ना, तो आप यहाँ पे मैनेज स्टॉक पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी पांच डाल दीजिए और और ये बस क्या हो है, डू गया नॉट अलाउ क्या है ये? मैम। ये है अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स मतलब कि लोग जो बैक ऑर्डर करते हैं ना उनके लिए है, और यहाँ पे लाइक लो स्टॉक थ्रेशोल्ड मतलब जैसी मतलब जैसे दो प्रोडक्ट पे टू आएगा टू तो दिखा पीस। देगा कि लास्ट दो बचे हुए हैं। ओके ओके ठीक ओके है ठीक और है। ये सारी, तो मुझे लगता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं आपको। नहीं, हाँ इतना बहुत है। जैसे आपके पास 50 साड़ियां हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पे डाल दी 50, जैसी आपकी हाँ 50 साड़ी सेल हो गई, आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ सेल, आउट ऑफ ऑर्डर दिखा दिया, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है ठीक है ठीक हितेश जी, ओके। तो इस तरीके से आप पूरे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम सेशन में यहीं तक इतना ही रखेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। नहीं चलिए जी अच्छा एक चीज पूछनी है, जैसे इन्होंने अभी मैम बताइए। बोला मतलब अभी हमने इंस्टा मोजो इंस्टॉल किया है ना, बट हितेश जी अभी बता रहे थे कि कोई और गेटवे ये लगा चुके हैं, तो ऐसे मल्टीपल गेटवेज नहीं हो सकते क्या? मैम बिल्कुल हो सकते हैं, मैंने वही बताया, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे और कहाँ प्लगइन्स के पे अंदर, है मैं बताता हूँ, लगिन्स में? आप एक वेबसाइट के अंदर 50 पेमेंट गेटवे लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहे जैसे थे ना कि स्विच करना होगा। जब मैं चेकआउट पेज पे आ रहा था ना मैम, तो चेकआउट पेज पे लिखा हुआ था ना इंस्टॉल लाइक पे विथ इंस्टा मोजो, हाँ तो हाँ आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा अलग अलग गेटवे के नाम आ जाते हैं लिखे होते हैं। हाँ जी। तो तो सर शॉपे सपोज आप शॉपिफाई में मेरा रेजर पे में किया हुआ है मैंने अभी, और मोजो भी करना जी है, तो जी जी दोनों क्लाइंट पेमेंट करेगा तो किस में आएगा? सर, दोनों में पेमेंट, ये बैंक अकाउंट सेम रखो ना सर, अच्छा ओके, बैंक अकाउंट दोनों एक में ही बैंक रखना है, अकाउंट सेम रखो, हो गया। तो फिर मेरे को पेमेंट मेरा मोजो इंस्टा मोजो में आया या कहाँ पे आया, मेरे को कैसे पता चलेगा? सर ईमेल आएगी ना, ईमेल आएगी? सर अच्छा ईमेल विद आएगी बिल्कुल एवरी आपका, परचेज, विथ एवरी सेल ही विल गेट एन ईमेल। हाँ ऑफ कोर्स ही विल, ओके और ओके। कस्टमर के पास भी एक इनवॉइस जाएगी। हाँ कस्टमर के पास तो आती है, मतलब ही इनके पास भी आएगी। ओके तो ये कस्टमर के पास मेरे भी जाएगी जी, बताएं सर। को वहां से रेजर पे निकाल देना है और इंस्टा मोजो रख देना है, तो ऐसा पॉसिबल होता है? सर रेजर पे में प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके पास? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मैंने वहां पे रख दिया है, कुछ शुरू नहीं किया है, ऐसे बोल रहा हूँ सर मैं। रेजर पे कोई बात नहीं, तो आप रेजर पे में आपका अकाउंट पूरा वेरीफाइड है, कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है सर, नहीं ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं अभी तक वैसा। ठीक आप चेक कर लीजिए, बिना केवाईसी की आपकी लिमिटेशन 100% होगी। ठीक है कोई बात नहीं, वो देख लेता हूँ। है सर। सर तो इसमें केवाईसी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कल? कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ।